वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहना चाहूँगी. अल्लाह सलामती रखे, तंदुरुस्ती रखे और इकबाल बुलंद रखे यूसुफ साहब का हमेशा. जो हमारे बुजुर्गों की दुआ रही है वही दोहराऊंगी. धर्म जी आप शेर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप दिल साहब के लिए कौन सा शेर पढ़ना चाहेंगे? हाँ अरे यार पंजाब के लोग पंजाबी मैं इसलिए शेर नहीं, मैं मेरा राज्य के प्यार है, मेरा बहुत मेरे प्राण है, मेरे मेरी जान है. मैं शुरू तो राज्य के प्यार करता जब मैं होश वाला जदा इन्होंने वेख्या वो तो लैके हूँ तक मेरा प्यार बढ़ते रहना ना बस. और हम दोनों में ये कंपटीशन है कि कौन यूसुफ साहब को ज्यादा चाहता है. एक दिन यूसुफ साहब इनसे कुछ कह के और मेरे हम दोनों निकल गए थे क्लब में, वहाँ जाके सैंडविचेस खा के घूम फिर के चले आए थे वो लास्ट बर्थडे पे. धर्म जी हमेशा कहते हैं देखो इन्होंने मुझे फोटोग्राफ भी दिए, मैं यूसुफ साहब का भाई लगता हूँ कि नहीं, तो हमने सबने इकरार किया कि डेफिनेटली भाई लगते हैं. लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा चाहता है. मैं कहती हूँ मैं. दिलीप साहब आप बताएं कौन ज्यादा चाहता है, आप बताएं कौन ज्यादा चाहता है. मैं इन दोनों को इनसे ज्यादा मैं चाहता हूं. ये क्या बात है, ये हकीकत है. जी बहुत पुराना रिश्ता है आपका दिलीप साहब से. आज हम बस ऐसे अपनापन में कुछ खो जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए. आप लोगों को सर माथे पे आप आएंगे, आपके बगैर भी अधूरा सब. लेकिन इनके लिए मैं ज्यादा मेरे पास अभी कुछ ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं क्या कुछ कहूँ. अच्छा, दिसंबर महीना मुझे इसलिए बहुत खूबसूरत लगता है कि इस महीने मेरे भाई पैदा हुए और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसी महीने में मेरी माँ ने भी मुझे डिलीवर कर दिया. मैं तो कई दफा कहता था कि ये हम मुख्तलिफ माओं की कोख से पैदा हूँ लेकिन सगे भाइयों से ज्यादा प्यार हूँ. हर एक की तरफ से आपके लिए शेर है. ता उम्र खुदा जिंदा तेरा सितारा रखे, सर पे तुझे जमाना हमेशा अपने. आमीन इंशाअल्लाह, आमीन. शेर में खम है, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए. नहीं शेर मैं कैसे कंप्लीट करूं? किस शायर क्यों शेर खम है क्या? आप उस शेर शायरी से दिलचस्पी रखते हैं ना, तो कोशिश कीजिए फिर इस शेर को इसका जो इसकी इसमें जो खामी है उसको दूर कीजिए गौर करके. जी दोबारा हम पढ़ दें. ता उम्र जिंदा खुदा तेरा सितारा रखे, जिंदा ता उम्र खुदा तेरा सितारा रखे, ताज की तरह सर पे तुझे जमाना रखे. अब यहीं से टूट गया वजन. आप सही कर दीजिए, सही कर दीजिए. ताज की तरह, हाँ जरा सा लड़खड़ाए शेर मुसरा. ताज की जगह ताज की लफ्ज़ है. शेर की सेहत मिसरे की सेहत बिगड़ जाती. ताजगी होता है ताज की तरह से सर पे तुझे जमाना रखे. अच्छा इसमें जज्बा आपका जज्बा है इसमें एक है बात है. हाँ एक हद तक तो ये मिसरा था और उसके बाद वो मिसरा जब टूटा तो वो शेर भी उखड़ गया उसका वजन. तो कोई और पढ़ दीजिए ना आप दोनों. कोई और पढ़ दीजिए. धर्म जी तो खुद बहुत अच्छे शायर है, कोई शक नहीं. बहुत अच्छे शायर साहब भी जी. वो तो शायर अच्छे मैं शायर का हूँ ऐसे ही अच्छे शायर रह चुके हैं. दिल में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं मेरे लिए. मैम आपने आज दिलीप साहब को हमेशा उसी शेर की तरह उठाया जब शेर पढ़ती है हमेशा दिलीप साहब के लिए. वो तो आखिरी बार पढ़ दिया था, दोबारा पढ़ लिया. सुनो अब बहुत हो गया. नहीं हमारे एक दूसरे दोस्त देखिए वो पीछे खड़े हैं आपके.
उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो बेटे।